शासकीय राशन दुकानों से सेल्स मैनेजर एवं वेयर हाउस के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गरीबों की थाली से अनाज गायब करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खरगोन जिले के भिगन गांव निवासियों ने आरोप लगाया है कि दुकान के मैनेजर द्वारा थंब मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन देने में गड़बड़ी कर देते हैं। वह इस पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर भी अपना दामन बचाते नजर आए और एक गेहूँ दे दिए, नहीं तो चावल दे दिए, एक चीज कुछ भी बांट देते हैं, चावल रख ले या गेहूँ रख ले, हर महीने ऐसे करते हैं। हाँ, हर महीने यही बिल्डिंग है और यही काम। और कुछ लोग तो यहाँ से माल ले लेके अपने अपने तोल के ले जा रहे हैं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं, बाहर लाइन लगी है, वो बेचारे मर रहे हैं लेने में। और कोई आ रहा है बोरा भर के तोल अपना अपना लेके जा रहा है, उनके पास एडवांस चिट्ठियां आ जाती हैं। आपका कहने का मतलब ये सामान दुकान वो बेच देते? हाँ, बेच बिक भी रहा ना यहाँ से, किराना गेहूँ की है ना, अभी तक गेहूँ नहीं मिले 3-4 महीने से। बोल मेरे को 40 किलो गेहूँ मिलना चाहिए थे 2 महीने के, जो 25 किलो गेहूँ कर दिए और 25 किलो चावल, मेरे को चावल सिर्फ 10 किलो मिलना था, चावल बढ़ के ना, तो मैं गरीब इंसान क्या करूँगा, मेरे फिर 20 किलो गेहूँ किधर गए? इनके हिस्से का कहाँ है? 2-3 महीने से इनको पर्चे ही दे रहे हैं, गेहूँ नहीं मिल रहा, देख सकते हैं जो नहीं मिला वो हम दिखा लेंगे। आपसे जो पूछा जा रहा है सर, आप वो बताएं कि आपके पास ही बता रहे हैं ये लोग कि 3-3 महीने 4-4 महीने की पर्ची है जो अनाज नहीं दिया, आपने इनसे एडवांस पैसे भी ले लिए हैं, पर्ची भी दे दी और अनाज अभी तक नहीं दिया है। वो लेने नहीं आएंगे तो पत्नी के पास लेने क्यों नहीं आए? रोज आ रहा है, रोज चिल्ला रहे हैं, लेने भी आ रहे हैं लोग, रोज पर्ची बता रहे हैं, हमको भी खबर कर रहे हैं। अभी एक भूतपूर्व उप सरपंच है, अभी जो हमने देखा उसमें गेहूँ नहीं आपके पास, चावल है केवल, माल नहीं आया ना अभी, माल आया नहीं है, कहाँ से नहीं आया? वेयर हाउस से माल नहीं आया, माल गेहूँ चावल दोनों आए थे, पूछो पहले, गेहूँ चावल दोनों आए थे, चावल 29 तारीख को आया और गेहूँ, गेहूँ पहले आ गए थे, पूरे महीने गेहूँ बांटे थे क्या? गेहूँ बांटे थे, चावल नहीं बांटे इन्होंने, चावल बांटते हैं, एक महीने पर्ची काट देते हैं गेहूँ की, चावल पिछले महीने का आवंटन गेहूँ चावल का, पिछले महीने गेहूँ बांट दिए, पिछले महीने के चावल रोक के इस महीने में बांट रहे हैं ये लोग, पिछले महीने का अनाज रोक के, और 3-3 महीने की जो पर्चियां हैं उनका तो कोई अभी वो लेखा जोखा नहीं है बेचारे, वो तो रोज परेशान होकर पीछे वापस जाते हैं। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।